हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, नहीं सबसे पहला बोल दूं भाई, गेमिंग इंडिया या नहीं इंडिया गेमिंग। यार मैं मालूम है बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझको ना सेम इस नाम से ना 5 मेल आया है और मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि किसको जाएगा। तो प्लीज़ यार आप जल्दी मुझे अपने ओरिजिनल आईडी से कॉन्टैक्ट करें, एड्रेस दे आपका और आप ही विनर हुए हैं, आपको सामान आपका जो बोला है वो मिल जाएगा। जल्दी मैं क्लियर कर दूंगा, बस एक बार मैं आपका एड्रेस कंफर्म कर लूँ। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं भाई ड्रैग रेस बारे में, लोनावला में होने वाला 13, 14, 15 को। तो प्लीज़ मुझे कंफर्म एक एड्रेस कोई बता दे, नहीं कंफर्म डेट बता दे कब हो रहा है वहाँ पे, तो मैं भी वहाँ पे आ सकूँगा और एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे ड्रैग रेस का। मैंने जब देखा ना भाई ड्रैग रेस की प्रैक्टिस तो भाई पागल हो गया, तो सोचो वहाँ तो होगा कैसे ड्रैग रेस का। कौन सी बाइक है हमारे पास देख लीजिए, चलो भाई देखते चालू करके। हाँ हाँ, कुछ पेट्रोल चालू करना है इसमें, चलो ऊपर कर दिया जो भी है। पेट्रोल भर लेते फिर वीडियो की शुरुआत करते कि भाई आज यामा क्यों राइड कर रहे हो। ओके ओ, क्या चल रहा है भाई, जो क्या चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे ना ये गाड़ी चलाते चलाते हुए बात करूं, क्योंकि ऐसी गाड़ी मुझे बहुत कम ही मिलती है। और ये जो है हमारे एक नवीन फ्रेंड है, नवीन मतलब उनका नाम नवीन है, बुलेट शोरूम में वो जॉब करते हैं। ओके, और ये गाड़ी को भी फुल ऐसा लुक हमारे शमशाद भाई ने दिया है। तो बस आगे, कल मैं जब गया था वाशिंग वीडियो बनाने के लिए, तो हाईवे पे मुझे कुछ बाइक्स दिखा, छोटे वाले बाइक्स। स्पीड में गए, वाह एक बार यामा इतनी स्पीड में गए, मैं शॉक में आ गया कि भाई ये कौन सी बाइक है जो इतनी स्पीड में चली गई। मैंने कहा कि अब ब्रिज के नीचे से यू टर्न लिया, तो जब तक ये बाइक को मैं लेके जा रहा हूँ अपने अड्डे पे, तब तक आप देखिए कि कल क्या क्या हुआ मेरे साथ, मतलब क्या क्या देखा हमने। तो यामा देखना है जो वहाँ पे वो लोग फास्ट भगा रहे थे, यामा RX 100 को कुछ तो मॉडिफाई किया है, डबल XL है पता नहीं, चलो जाके देखते हैं एक बार कैसा है। Nice. तो शूट चल रहा है क्या, शूट चल रहा है क्या? ओके ओके ओके, तो ये RX 100 का इंजन है ना, बट थोड़ा सा अलग दिख रहा है। सही है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी। आप लोग कहाँ के हैं? अंधेरी। आपको जाना है क्या? अच्छा जाइए 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 जाइए। तो हाँ नहीं, ये मैं जैसे देखा है बहुत सारी है, बट ये कौन सा मतलब RX वाला इंजन नहीं है यार, कुछ अलग ही इंजन है। RX Z सेफ्टी का बंदा ऐसा गाड़ी चला रहा है यार। यार इतना आप लोग इतने अच्छे मतलब बाइक्स बनाए हो, उसकी स्पीड कितनी होगी? ओहो, तो क्या मैं आप लोग क्या कर रहे हो, कुछ वीडियो बना रहे हो, ऐसे चेक कर रहे हो? सही है, कब है? 13 को सिर्फ इसी बाइक का है। ओके, और ये कौन सा है, यामा RX 100 है कि
बट इतना स्पीड, और उनका इंजन अलग था वाशिंग, तो ऊपर से ना कटा हुआ था। तुम्हारा नंबर दो ना, तुम्हारा नंबर दो, तो आप लोग रेस की प्रैक्टिस कर रहे हो मतलब? ओके okay. हाँ भाई सही है। शिट, ऐसी ऐसी गाड़ी हो रहा था उसका। तो सबके अपने अपने मैकेनिक्स हैं, लाभ का भी अलग मैकेनिक है। अच्छा है। नहीं, सबके अपने अपने मैकेनिक से कैसे पूछ रहा था। अच्छा, आपने उसके ऊपर का काट दिया है क्या? वो तभी वो अलग सा दिख रहा था वो जी। बोला। अच्छा, ऐसे ये व्हील्स मिलते हैं क्या अपने मुंबई में? मिल जाएगा ना? सही है। अपने एक कैची कस्टमाइज किया, ये मंगाया है मलेशिया। अच्छा, वही वो दिख ही रहा है वो अलग, वो लाइट वेट होगा हल्का सा। सही है, लगे रहो। कब है आपका रेस? 13-14-15। 3 दिन है। अच्छा, तो लोनावला में लोकेशन क्या है इसका? एम्बेवली लोकेशन। करिए फिर ऑल द बेस्ट, थोड़ा सेफ से। तो देख लिया आपने वीडियो, यामा RX 100 और कोई बोल रहा था यामा RXZ 135। ये दो बाइक थी, कोई RX 100 था, कोई RXZ था। क्या खास बात है जो सारे बाइक को ये टक्कर देता है ड्रैग रेस में? ओके, ये बाइक मतलब यामा RX 100 या RX 135 या RD 350 ले लो, जिसका तो नामो निशान है इंडिया में नहीं है, बहुत कम लोगों के पास होगा। तो भाई मतलब क्या खास बात है यार, जो मतलब ड्रैग रेस में सब गाड़ी को पीछे छोड़ देते। डूक कंपन, डूक 200, 250, 390, NS, पल्सर, सभी बाइक को ड्रैग रेस में पीछे छोड़ देता है। हमने देखा भाई, मेरे पास डूक 250 था, लेकिन जो बंदर RX चला रहा था, आपने देखा कितना रपट रप लेके निकल गया वो। तो बस मैं सोचा कि जो मैंने पहली बार देखा वो आपके साथ बयां कर दूं कि भाई क्या कमाल की चीज़ है यार। तो इस कमाल की चीज़ को मैं भी जल्दी पाने की कोशिश करूँगा, सर्च करना चालू कर देता हूँ। और एक बार मैं आपको इस गाड़ी को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते कि कैसा रहा वो देख के एक्सपीरियंस, कैसा मुझे मज़ा आया। कैसा लगा आपको देख के ये यामा? ये यामा को शमशाद ने ऐसा लुक दिया है। शमशाद के पास भी सेम ऐसा ही बाइक था। सो सही है, अगर मेरे पास भी आया ना तो मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा। आया तो आप लोगों से एक पूछना चाहूँगा भाई, किसी को पता है कि 13-14-15 को जो लोनावला में होने वाला है ड्रैग रेस? मुझे उसका कुछ डेट कंफर्म नहीं है, मतलब मुझे पता नहीं है, और प्रॉपर एड्रेस क्या है वो भी पता नहीं है। टाइमिंग कितने बजे स्टार्ट होएगा, क्योंकि मेरे यहाँ से लोनावला 160-150 किलोमीटर है, तो मुझे उतना ट्रैवल करना पड़ेगा। जिसको अगर ये एड्रेस प्रॉपर मालूम है, डेट मालूम है, और कब होने वाला है स्पेशल यामा का ड्रैग रेस, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दे, अपडेट कर दे, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और एक अच्छा सा वीडियो बनाऊँगा। तो बस मुझे यही बताना था कि भाई हमने जो देखा यामा RX 100 दीवाना हो गए, और ये बाइक का भी दीवाना ही हम पहले से ही देख रहा था। तो और कुछ आप जानते हो यामा RX के बारे में तो प्लीज़ बता दो कि यामा RX क्या है, क्यों इतने स्पीड में भागता है वो उसमें, और ड्रैग रेस में क्या है? मैंने पूछा था, मैंने मतलब दोस्तों से पूछा कि भाई वो लोग क्या करते हैं कि मतलब वो 100 CC का इंजन
मतलब 390 को 250 को टक्कर देते हैं ट्रैक में। तो भाई ने बताया कि उन लोगों ने मतलब बहुत कुछ चेंज करते हैं पिस्टन में, इंजन के अंदर बड़ा बोर मारते हैं, बड़े पिस्टन रहते हैं, उसके कार्बोरेटर भी सब कार्बोरेटर भी बाहर का रहता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी एवरेज नहीं देता लेकिन स्पीड बहुत भागता है। भाई एवरेज क्या दिखना, जब हवे से बात करती हो गाड़ी उसमें एवरेज नहीं दिखा जाता। तो बहुत कुछ वो लोग चेंज करते हैं गाड़ी को, हल्का से हल्का मतलब गाड़ी का वेट जो है कम से कम रखते हैं वो लोग, कि गाड़ी का जो इंजन का पावर है पूरा स्पीड में मिल सके। तो लोग गाड़ी को पूरा ओपन कर दे, जैसा आपने देखा कि गाड़ी पूरा ओपन था, गाड़ी का चेचिस मतलब हड्डी वाला ढांचा दिख रहा था, इंजन दिख रहा था, एक छोटा सा पेट्रोल टैंक दिख रहा था, एक पतली सी सीट दिख रही थी बैठने के लिए और कुछ नहीं था। उसके टायर्स व्हील्स बहुत ही पतले थे। तो इस सब कारण मतलब ये सब चीज़ करना पड़ता है गाड़ी को स्पीड भगाने के लिए। सही, अगर भाई भूल चूक कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ कर दो, जो भी अपने दिल में एकदम बयां कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मैं घर पे राइट डाउन करता हूँ, मतलब एक अच्छे से स्क्रिप्ट लिखता हूँ आके आपको बताता हूँ, बिल्कुल नहीं। जैसा देखा हूँ वैसा आपसे बयां कर दिया। पहली बार मैंने ड्रैग रेस की यामा देखी थी, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। कहीं लेट तो नहीं हो गया अपडेट में? भाई जैसे देखा वैसे बता दिया। चलो शुरुआत करते हैं सिनेमैटिक शॉट। I was aside from my soul.